हाय फ्रेंड, सुषमा की रसोई से मैं आपका स्वागत है। आज मैं तुरई की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने तुरई को चॉप कर अच्छी तरह धो लिया है, एक प्याज को कट कर लिया है और कुछ चने को मैंने रात को भिगो कर रखा था। मिर्ची को डार्क ब्राउन कर लेते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है और सब्जी में स्वाद भी बढ़िया लगता है। अब मैं इसमें कुछ मेथी के दाने डालूँगी। मेथी के दाने चटक जाए तो मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज को लाइट पिंक होने तक ही भूनना है। प्याज लाइट पिंक हो गई है, अब मैं इसमें फुलाया हुआ चना डालूंगी। दो एक मिनट इसको भूनूंगी। अब मैं क्वार्टर स्पून हल्दी ऐड करूंगी, स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। अब मैं इसमें तुरई ऐड करूंगी। इसे इंग्लिश में स्पंज गार्ड कहते हैं, आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इसे 5 मिनट तक ढककर मैं पकाऊंगी। हो गए हैं, अब मैं ढक्कन उठाकर देखती हूँ। तुरई आधी पक चुकी है, अब पानी सूखने तक मैं इसे पकाऊंगी। तो पानी काफ़ी सूख चुकी है, अब मैं इसे और 2-3 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी, क्योंकि चने डाले हुए हैं तो चने को सूखने में ज़रा टाइम तो लगता है। देखती हूँ, चना सीख चुका है। अब मैं इस सब्जी को 2-3 मिनट और चलाऊंगी, जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए। देखिए, तुरई की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। इसे बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत स्वाद से खाते हैं। प्लेन रोटी में घी लगाकर ये सब्जी के साथ खाइए तो क्या कहें।